पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नामांकन कराया है, किस तरह की तैयारियां हैं? नामांकन हमने कराया भारतीय जनता पार्टी से, 25 कार्ड से अपने नॉमिनेशन कराया और चुनाव की तैयारी है पूरी हमारी। हम पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, नई तैयारी दी है। अब तैयारी जो करी है हमने वो बिल्कुल, ये समझिए आप कि हमारा पूरा क्षेत्र तैयार है और हम लगभग 50-60 गांव में घूम भी चुके हैं और अभी 100 गांव लगभग और रहे हैं, उनमें प्रचार करना अपना। और हमारा बहुत अच्छा समर्थन लोगों का मिल रहा है। मैं समझ किससे चुनौती मानकर चलते हैं? हमारी चुनौती किसी से नहीं है, अकेले भारतीय जनता पार्टी जो है आधे में है और आधे पे सब है। एक तरीके का जो विरोध सामने आ रहा है, अभी किस क्षेत्र में आपका ही विरोध हुआ, उसको किस तरह से फेस करने वाले हैं और उसको कैसे मैनेज करेंगे? क्षेत्र में हमारा कहीं ऐसा विरोध नहीं है, हमें तो कोई समझ में विरोध नहीं आया, कोई हमारे सामने तो कोई ऐसी बात आई नहीं अभी तक। हमारे जो वोटर थे पिछली बार भी जो थे सब हमारे साथ हैं, पूरा समाज हमारे साथ है और सब तरह से हमारी तो स्थिति अच्छी है। जो जनता के बीच जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? हमारी जनता के बीच में कार्ड विधानसभा में कोई मुद्दे नहीं है, जो हमने वायदे करे थे पिछले चुनाव में वो सब हमने पूरे कर दिए और जो भी कमी थी क्षेत्र में, जो भी हमने पिछली बार जब चुनाव घोषणा पत्र अपना जारी किया था उस समय जो हमने वायदे किए थे वो सब पूरे कर दिए। जनता को तो कोई शिकायत नहीं है और सीधे और दूसरे पार्टी भारतीय जनता पार्टी से कोई शिकायत नहीं है, माननीय योगी जी से कोई शिकायत नहीं है, माननीय मोदी जी से कोई शिकायत नहीं है, सब उन्हीं के नाम पर वोट मिल रहा। तो इस बार फिर से विधानसभा में पहुंचने वाले हैं? हाँ, मैं तो इसलिए तैयारी कर रहा हूँ, विधानसभा में तो पहुँचूंगा ही। जी, मैंने नामांकन आज ठाकुरद्वारा विधानसभा 26 से कराया भाजपा प्रत्याशी के रूप में और मुद्दे हमारे जो ठाकुरद्वारा में हैं, जनता बहुत त्रस्त है पिछले 7.5 साल से, दो बार से हमारे यहाँ नवाब जान का विधायक है सपा का और इस बार माननीय सांसद जी के आशीर्वाद से हम ये सीट ये जीतने जा रहे हैं। चुनौती कुछ नहीं है, पूर्ण सारी जनता अपना मन बना चुकी है और इस बार पूरे मनोयोग से सभी लोग लगे हुए हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, माता बहनें हैं, हम लोग ये सीट जीतने वाले हैं। मुद्दे चिकित्सा का हमारे यहाँ एक प्रमुख मुद्दा है, हमारे लोगों को यहाँ से काशीपुर दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता है या फिर मुरादाबाद आना पड़ता है, तो मेरा एक प्राथमिकता रहेगी कि हमारे यहाँ एक अच्छे हॉस्पिटल की व्यवस्था हो जहाँ पे सभी लोग सभी चीज़ें यहाँ पे एक जगह मिल जाए। जी, नहीं, लहर इस बार भी है, कौन कह रहा है लहर नहीं है, इस बार उससे ज़्यादा तगड़ी लहर है, इस बार लहर नहीं, इस बार सुनामी है और फिर से हम योगी जी के नेतृत्व में इस बार सरकार बनाएंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।